दिसंबर में क्षेत्रीय सरकारी समिति पर नहीं मिला किसानों को खाद, समिति पर तैनात चौकीदार ने दी जानकारी। 3 साल से समिति कार्यालय केंद्र पर नहीं पहुंचा खाद, समिति के कार्यालय केंद्र में लगे मिले ताले। 3 साल से खाद की जा रही है ब्लैक, क्षेत्रीय सहकारी समिति घुमथल का मामला। जनपद संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र के क्षेत्रीय सहकारी समिति घुमथल कार्यालय केंद्र पर 3 साल से खाद नहीं पहुंचा है, जिसके कारण किसानों को खाद नहीं मिला है। 3 साल से खाद ब्लैक किया गया है, खाद केंद्र में ताले पड़े मिले हैं। समिति कार्यालय पर तैनात चौकीदार ने दी जानकारी कि 3-4 साल से खाद वाहन को रास्ता न होने की वजह से समिति कार्यालय केंद्र पर खाद नहीं आया है। वीरेंद्र प्रकाश उपाध्याय एआर कोऑपरेटिव ने जानकारी दी है कि समिति केंद्र पर वाहन जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से बनिया खेड़ा के पास स्टोर बनाकर खाद बेचा जा रहा है। क्या नाम साहब? छोटेलाल। कहाँ रहते हैं? नहीं। नाम बताओ। यहाँ सोसाइटी पे आप क्या करते हैं? यहाँ चपरासी। अच्छा, खाद नहीं है यहाँ पे सोसाइटी? हमारी दुकान है बनिया खेड़ा। अच्छा, यहाँ खाद नहीं बिकता है? ना, आता ही नहीं है, गाड़ी नहीं आता। कब से नहीं आया? गाड़ी लगे 3-4 साल। अच्छा, खाद नहीं बिका कभी भी? वहीं बिकता है। तो किसान फिर कहाँ से लेने जाते हैं? चलाते हैं। सरकारी समिति घुमथल पर किसानों ने आरोप लगाया कि समिति द्वारा खाद नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? मेरा ये कहना है, घुमथल समिति काम न रहने के कारण उससे 1.5 किलोमीटर स्थान से वितरण किया जाता है। वो समिति का ही इसको बिल्कुल ही खाद वहाँ बताती है, और इस पर शिकायत मुझे प्राप्त हुई है। मैं इसकी जाँच कर आगे कार्रवाई करूँगा। वैसे भी मैंने निर्देश दिया, कल हमारे खाद आ रही है, सोसाइटी सचिव निर्देश दिया है, खाद अपने व्यवस्थित अपने कहीं कहीं से गोदाम के किराए पर लेकर व्यवस्थित